बेसिक मैथमेटिकल टूल। ओके, तो क्या है टॉपिक का नाम बच्चों? टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। मतलब बच्चों ये वो टूल्स हैं जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होंगे, बट वो है मैथमेटिक्स का पार्ट। तो इन पार्ट में जैसे क्या क्या लगने वाला है फिजिक्स में? एक तो लगने वाली है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगने वाली है, एक लगने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी क्या लगने वाली है बच्चों? दूसरी लगने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको लगेगी। अब कुछ बच्चे बायो लेके पढ़ते हैं तो वो मैथ्स में पढ़ते नहीं है, मगर उनको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। जो 11th और 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो एक्चुअली आपको आनी चाहिए। तो उतनी ट्रिग्नोमेट्री, उतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और टॉपिक है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक ये आपको आनी चाहिए। एक और टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और एक टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो बच्चों इतना जो पार्ट है ना आपको ये बनना चाहिए एज अ मैथ्स। तो डजंट मैटर आप मैथ्स लिए हैं बायो लिए हैं, इतना पार्ट आपको बनना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मैं आपके इसके पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करना क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब आपको केवल एक ही मेथड का यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए, वो है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यार ये मेथड तो आप लोग सब जानते हो, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, रूट्स निकालने को आएंगे निकाल लेना, अभी वर्कशीट भेज दूंगा तो कर लेना। ये हो गया, देन क्वाड्रेटिक मैंने, चलो हो गया क्वाड्रेटिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वही पुराना 10th क्लास तक का क्वाड्रेटिक है, इसमें कुछ करने को नहीं है। अब आ जाओ आगे डिफरेंशिएशन पे, जो अपन को थोड़ा सा सीखना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पहले तो ये जानो, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन होता है, आपके पास कोई मैथ्स का कोई फंक्शन दिया रहेगा बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको कैसे पढ़ोगे? इसको बोलोगे y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या दिखाओगे बच्चों? ये इसके आगे लगाओगे d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब हम, ये एक टूल है, ये बताता है कि मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। सो दिस टूल इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर तो जिसका डिफरेंशिएशन करना हो उसके आगे ये टूल लगा दो। जैसे आप जोड़ते हो ना, ऐड करते हो, तो दो नंबर के बीच में क्या लगाते हो? प्लस लगाते हो, तो प्लस देख करके क्या पता चलता है कि हाँ बच्चा जोड़ रहा है। ऐसे ही कहीं पर भी डी बाई डी एक्स लगाओगे ना किसके आगे, तो समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जैसे आपने मान लो डी बाई डी एक्स करना है किसको? वाई को, तो वाई के आगे डी बाई डी एक्स लगा दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स। मतलब आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आप बोलोगे डी बाई डी टी, मतलब आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन वाई का कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। चलो अब कुछ इसके रूल्स याद कर लो बच्चों, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके रूल्स क्या क्या हैं? तो इसके रूल्स हैं कैसे, जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, आपको जो भी चीज़ डिफरेंशिएट करनी ना वो ऐसी दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या है? ये जो y है, यहाँ पे ये y जो है x का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर,
वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ओके वाई यस इज इक्वल सर, टू एक्स का स्क्वायर, 2x हो जाएगा। हाँ तो अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट इसको करोगे तो कैसे करोगे, कहोगे कि मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, इसके ऊपर लगाया डी बाई डी एक्स तो इधर भी लगाओ डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 के ऊपर। अब आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले जब याद होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो पहला फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगेगा वो लिखो, अगर x की कुछ भी पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों n x की पावर n माइनस वन, नोट करो x की पावर n का डेरिवेटिव होगा n x की पावर n माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन, पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपको किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है ना, तो n पावर कितना है 2 है, तो कैसे लिखोगे 2 x की पावर 2 माइनस वन, तो क्या बच गया 2 x की पावर 1, आंसर कितना हो गया भैया 2 x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया जी 2 x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक, चलो कुछ और क्वेश्चन देते हैं अभी। चल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर लो, क्या करना है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ऊपर कौन है एक्स है, तो लगा दो फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, एन कितना है कोई पावर नहीं मतलब वन पावर है, तो वन एक्स की पावर एन माइनस वन मतलब वन माइनस वन, तो वन इंटू एक्स की पावर कितना हो गया जीरो, और किसी की भी पावर जीरो मैथ्स में क्या होती है वन, सो आंसर वन इंटू वन इक्वल्स टू वन, ठीक है ना? यस सर, तो आंसर भी इसका वन हो गया। चलो अगला करो, एक्स की पावर माइनस वन या वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों पहले ये याद रखना कि एक्स की पावर वन का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया वन आ गया, तो ऐसे भी ट्रिक फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो, बट होता ये नहीं, होता एक्चुअली ये है सच में। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर थ्री, बोलो क्या होगा बच्चों, थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन, आंसर थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है? यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर क्या होगा, एन फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन मतलब फोर एक्स क्यूब। चलो नोट कर लो सभी लोग इतना, सो दिस इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है ना। देखिए जिनका वेक्टर कमजोर है वो लोग पूरे वीडियोस मेरे पढ़ लें, और जो टॉपिक वीडियोस में समझ में नहीं आ रहा ना उनको लिख लिख करके मुझसे पूछ लो वो टॉपिक्स, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में। चलो आगे बढ़ूं क्या, लिख लिया? यस सर। ठीक है आगे करते हैं कुछ और डिफरेंशिएशन मज़ेदार। जैसे मान लो मुझे करना है डी वाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस वन का, अब मैं आपको उलझाना शुरू कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, सर माइनस वन पावर दे दिया आपने, नहीं नहीं ये तो बहुत इजी है, थोड़ा और उलझा दूँ, डी वाई डी एक्स वन अपॉन एक्स, अब ठीक है। तो बच्चों डी बाई डी एक्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस वन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन एक्स की पावर कितना हो गया माइनस टू, तो माइनस वन और एक्स की पावर माइनस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन अपॉन एक्स की पावर टू, तो बच्चों आंसर लिखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का। ठीक है क्रिश, समझ में आ रहा है ऐश्वर्या? यस सर। यस सर, कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, सर
माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। चलिए देखते हैं क्या होगा भाई। सो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री मतलब माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब। बिल्कुल सही, माइनस टू बाई एक्स क्यूब ये है। चलो बन गया सभी को कि नहीं बना? बन गया सर। बाकी अभी कर रहे हैं ये बच्चे। सर हो गया मेरा? हो गया सर। ओके सर, हो गया। ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ, देखिए बेटा एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, रूट एक्स। चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। कितना समय लगने वाला नहीं है भाई? सर 1/2 और x की पावर -1/2। बिल्कुल सही। तो देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। तो ओपन कर दो बच्चों, तो n है 1/2 n x की पावर n माइनस वन। सो 1/2 x की पावर, आधे में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस आधा। सो आंसर आ गया 1/2 x की पावर -1/2। नोट करिए बच्चों, अब आप सेपरेटली चाहो तो 1/2 -1 को सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के। 2 आएगा नीचे, यहाँ आएगा 1, इधर आएगा 2, तो कितना आएगा? -1/2। ऐसे भी सॉल्व कर लो किनारे। सो 1/2 एक्स की पावर -1/2। सर एक्स की पावर -1/2 का मतलब माइनस रूट एक्स है कि रूट माइनस एक्स है? बताता हूँ उसको, उसका मतलब है 1/√x। यस सर। चलो लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, देखो तो क्या आएगा हमारे पास? आया 1/2 एक्स की पावर -1/2। तो और इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? देखो फिजिक्स मैथ्स में क्या रूल होता है, एक्स की पावर एन का मतलब होता है 1/(x)n। मतलब पीछे जो पावर ऊपर आके नेगेटिव होती वो नीचे बन जाती पॉजिटिव। तो 1/2 और ये बन जाएगी 1/(x)(1/2)। अब आप सब लोग जानते हो x की पावर 1/2 क्या होता है? रूट एक्स। तो ये आ गया बच्चों फॉर्मूला 1/2√x। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। यस लिख लो 1/2√x। ठीक है डन। यस सर। अब देखिए कुछ रूल्स लिख लो डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन अगर अकेला कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब जिसके पास एक्स ना हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है जीरो। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। और अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो क्या करोगे? कांस्टेंट को बाहर ले लोगे और केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो पहले ये दो रूल्स लिख लो, फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। तो अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो के बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। सर लिख लिया। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए, अब एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स करना है आपको, कितने का? 2x² + 5x + 6 का। तो चलिए देखिए तीन फंक्शन है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो डी बाई डी एक्स, चलो सब पे इंजेक्शन लगा दो डी बाई डी एक्स का। तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? 2x² का। डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा बच्चों? 5x का। और डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। चलो तीनों पे डी वाई डी एक्स बांट दिया।
अब देखो बच्चों यहाँ पे ये कांस्टेंट है बट फंक्शन है, तो कांस्टेंट को बाहर बुला लो और डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे अभी हम लोग। इसमें फाइव बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का, ये तो अकेला कांस्टेंट है। तो अभी अभी मैंने रूल क्या बताया, कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन क्या होता उसका, ज़ीरो। तो उसका अकेला है तो ज़ीरो हो गया। चलो टू लगाओ डिफरेंशिएशन, अभी अभी पढ़ाई मैंने फॉर्मूला कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स की पावर टू माइनस वन, मतलब वही टू एक्स प्लस फाइव। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने रटाया था ना, चाहो तो ऐसे ऐसे समझ लो कट गया, तो कितना आ गया वन और प्लस ज़ीरो फोर एक्स प्लस फाइव। बच्चों कितना आ गया फोर, टू टू ज़ा फोर, एक्स की पावर हो गई वन, फोर एक्स प्लस फाइव इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ योर डेरिवेटिव, वेरी सिंपल, नोट करो। ठीक है, डन yes, लिख लेना। डन सर। सर मैं ये कह रहा था मेरे पास सर एक क्वेश्चन पेपर है वेक्टर का, 15 क्वेश्चंस का, बट सर मैं आंसर नहीं, तो आप सॉल्व करा दोगे? बिल्कुल करा दूंगा, ग्रुप में डाल दो भाई। जी सर। डाल दिया सर। ठीक है, भाई ये क्वेश्चन आप कह रहे हो, अगर ये क्वेश्चन में मेरी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं भाई साहब आपको, अगर आपने मेरा पूरा वेक्टर पढ़ा है तो हाँ। आपको इस पूरे पेपर में मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आप मैं तो ये कर लूँगा, मैं कह दूँ सॉल्यूशन बस आप करवा देने, बस चेक हो जाएगी। हाँ मैं चेक करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। चलिए क्लियर हुआ, 4x प्लस 5। यस सर। ओके, सभी को बन गया, सब लोग बोलो यस। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों कुछ और रूल, तो ये डिफरेंशिएशन का रूल हो गया, अब कुछ और डिफरेंशिएशन याद कर लो बच्चों, सीधे सीधे जो आप करने याद करने, आपको लिखो बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है बच्चों वो होता है माइनस साइन एक्स। ये याद कर लो डायरेक्टली, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। यस सर। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बताओ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है किसी को, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स कॉट एक्स। ये फॉर्मूले हैं, इनको याद करने में देरी मत करना, और अगर ज़्यादा याद ना हो रहे हैं तो ऊपर के दो याद कर लेना बस, बायो वाले बच्चे केवल ऊपर के दो याद कर ले, बाकी वाले देख देख के कर लेना जब प्रैक्टिस, जब क्वेश्चन आएगा तो, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे याद करो आप। यस सर। फॉर्मूले याद करने से ज़्यादा बेटर होता है उनकी प्रैक्टिस करो तो अपने आप वो याद हो जाते हैं, ऐसे रटने बैठने से कोई मतलब नहीं। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मैथ वालों को बहुत आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, मैथ वालों को बहुत आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये छह डिफरेंशिएशन भाई आप लोग याद कर लो, छः हैं, और एक एक बहुत बढ़िया पैटर्न देखो, जो जो सी से शुरू हो रहे हैं सब में माइनस आ रहा है। देखो सी से ये हुआ इसमें भी माइनस, सी से ये हुआ इसमें भी माइनस, सी से ये हुआ इसमें भी माइनस, तो सी वाले जो डेरिवेटिव टर्म हैं उन सभी में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। सी वाले जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं उन सब में नेगेटिव साइन आ रहा है। चलो डन, समझ में आ गया। यस सर। ओके, यस सर। अब एक क्वेश्चन जो आपने पूछा परी ने, उस क्वेश्चन को देख लो सब लोग, वो क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन है वो।
अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ी सी इसमें हाई लेवल की फिजिक्स भी लगेगी, ठीक है ना। क्या लगेगी फिजिक्स इसमें हाई लेवल की? एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में, कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ये होता है भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम का रेट। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, और रेट मतलब क्या? चेंज इन टाइम, डेल्टा टाइम, चेंज इन टाइम। तो किसी चीज का रेट निकालने के लिए आप टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो फोर्स क्या बन गया? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और उसको जब डिफरेंशिएशन की भाषा में लिखा तो इसी को लिख दिया मोमेंटम का रिस्पेक्ट में टाइम के डिफरेंशिएशन। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई। आगे कह रहा है कि एक पार्टिकल है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ, परी ने ग्रुप में डाला है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ। एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स एफ लग रहा है, वेक्टर फोर्स लग रहा है, लगा लो भाई, एफ लग रहा है, अच्छी बात है। और कह रहा है कि उस फोर्स की वजह से किसी भी टाइम पर मोमेंटम का जो एक्स पार्ट है, मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट है वो है 2 cos t, और जो मोमेंटम का वाई कंपोनेंट है वो है 2 sin t। एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, तो 2 कंपोनेंट लग रहे हैं फोर्स के, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट है। और हमसे कह रहा है कि बताइए फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल क्या होगा। चलो भाई पहले हम मोमेंटम वेक्टर बना लें। अभी अभी कृष्ण ने बताया था क्लास में कि सर कोई वेक्टर जो है टूटता है, जैसे कोई वेक्टर ए है, तो फिलहाल यहाँ पे पी को तोड़ा गया है, तो पी के 2 कंपोनेंट टूटते हैं, एक गिरता है पी एक्स और एक गिरता है पी वाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि कंप्लीट वेक्टर पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का वेक्टर क्या बनेगा? आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक कदम का वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो पी एक्स आई कैप वेक्टर बन गया और पी वाई जे कैप, जे कैप बन, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जो वेक्टर जाता है यूनिट वेक्टर जे कैप। अब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा भाई, वेक्टर पढ़ना पड़ेगा तब बड़े प्यार से बिल्कुल हलवा टाइप समझ में आएगा, बड़े आराम से वेक्टर पढ़ लीजिए प्लीज़। तो पी वेक्टर इक्वल टू पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप। तो पी एक्स कितना हो गया? 2 cos t आई कैप, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लस पी वाई कितना है? 2 sin t जे कैप। चलो भाई बन गई डेफिनेशन। तो p इक्वल टू खोल दो ओपन, तो बन गया 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। ये बन गया अपने पास बच्चों मोमेंटम वेक्टर, 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल्स टू 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। अब क्या बनाना है? फोर्स वेक्टर। और अभी अभी बातों बातों में पढ़ा दिया मैंने कि फोर्स क्या होता है बच्चों, dp बाई dt। यस सर। मतलब टाइम डिफरेंशिएशन किसका? p का। अंदर भर दो p को, 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। चलो आ जाओ, 2 कांस्टेंट है बाहर ले आओ, d/dt किसका होगा? cos t का, क्योंकि t तो इसी के पास में है, माइनस sin t आई कैप। फिर अगले में चढ़ाओ हथौड़ा, तो 2 d/dt यहाँ पे sin t और जे कैप। चलिए 2 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस sin t आई कैप। और प्लस 2 sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? अभी cos t जे कैप। ये आ गया, तो ये हमारे पास फाइनली वेक्टर बन गया -2 sin t आई कैप और प्लस 2 cos t जे कैप। ये मेरे पास बन गया फोर्स वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एंगल। तो एंगल भी मैंने पढ़ाया है आपको क्रॉस प्रोडक्ट में, कैसे पढ़ाया था याद कीजिए। वेक्टर a डॉट b इक्वल टू मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट अपॉन पहले वेक्टर का मॉड इनटू दूसरे वेक्टर का मॉड। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेक्टर है फोर्स का, एक वेक्टर है मोमेंटम का,
और नीचे फोर्स का मॉड और मोमेंटम का मॉड। चलो रख दो भाई फोर्स वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर तो हमने पहले ही दे रखा था क्वेश्चन में, ऊपर लिखा देखो 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप। रख देता हूँ मैं 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप, ये हो गया फोर्स वेक्टर, सॉरी मोमेंटम वेक्टर। और फिर फोर्स वेक्टर रख दो, जो फोर्स वेक्टर हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला है फोर्स वेक्टर, माइनस 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप, माइनस 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप। चलो इतना है, नीचे वाला पार्ट अभी छोड़ो, गोली मारो उसको, बाद में सॉल्व करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, अब जिनको डॉट प्रोडक्ट याद है मल्टीप्लाई कैसे होता है, i कैप वाली पार्टी i कैप के साथ होती है और j कैप वाली पार्टी j कैप के साथ। तो 2 cos t का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 sin t से, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 sin t cos t, और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना आएगा प्लस 4 sin t cos t अपॉन में जो भी आएगा। मगर अच्छी बात ये बच्चों देखो, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया ऊपर 0, जब ऊपर 0 आ चुका है तो नीचे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, और 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि cos थीटा की वैल्यू 0 कितने डिग्री के लिए होती थी, 45 90 डिग्री। परी बोलो अब क्लियर है? यस सर। हां तो नोट कर लीजिए, तो ये आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों को डिफरेंशिएट किया, अब डिफरेंशिएशन भी बनने लग गया आप लोगों से। परी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो तुम, ये तुम सारे सवाल लगा रही हो, तुम्हारा मतलब एकदम पहले अटेम्प्ट में ही नीट निकलेगा अगर तुमने सारे सवाल लगा रहे हो इस तरीके से। फर्स्ट अटेम्प्ट में अलॉन्ग विद द 12th क्लास तुम्हारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन तुमने पूछे हैं इससे मुझे बिल्कुल पता चल रहा है कि तुमने पूरी पूरी शीट लगाई है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन लीगली वही हैं जो आपको वास्तव में पूछने चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं ये पीडीएफ आपको बना के भेज देता हूँ, डोंट वरी। और ये जो अक्षत ने शीट दी है ये, इसको सभी लोग लगा के रखेंगे, कल इसका सोल्यूशन मैं क्लास में करवाऊँगा वेक्टर का। और सभी लोग वीडियोस अच्छे से पढ़ें, वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, इतना क्लास में संभव नहीं हो पाता है, एक एक चैप्टर बच्चों बहुत बड़े बड़े हैं, तो वीडियोज़ में थोड़ा ध्यान दीजिए और डाउट निकाल करके अपने क्लास में बेसिकली पूछो, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो भाई, तो आज की सभा को यहीं पर समाप्त किया जाता है, बाय बाय बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।